हेलो एवरीवन, देखिए प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। अब प्रोजेक्टाइल को फायर किया पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, आप ऐसे समझ सकते हो एक राइफल से बुलेट को फायर किया ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ये हमने मान लिया कि ये ग्राउंड से ये डिस्टेंस है हमारा h, ठीक है, और यहाँ से क्या किया है प्रोजेक्टाइल को फायर किया है पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो हॉरिजॉन्टल ही है, हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक है ना। हमें ये पता है ना, ये हमारा x होता है और ये हमारा क्या होता है y वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने वेलोसिटी जो दी वो u दी हॉरिजॉन्टली, तो उसने पाथ कैसा फॉलो किया होगा, इस तरीके से पैराबोलिक पाथ फॉलो किया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, क्लियर है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है वो क्या है कि पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल ये पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल यहाँ से हमने कंसीडर किया, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, तो यानी कि जो वेलोसिटी यहाँ पर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जो भी प्रोजेक्टाइल होता है दो मोशन होते हैं उसके, ठीक है। जैसे हम बात करें कि अगर मैंने ये इस तरीके से थ्रो किया होता, तो मान लो ये डायरेक्शन में हमने इनिशियल वेलोसिटी दी, तो ये वाली इसकी हॉरिजॉन्टली वाली बनती और ये वाली क्या बनती इसकी यू वाई वाली बनती, ठीक है ना। मान लो किसी हाइट से भी दे रहे होते, ये हाइट से भी दे रहे होते, यहाँ से हमने ऐसे एंगल पे फायर किया होता तो ये कहानी बनती, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की और वर्टिकल की। यहाँ पर उसने क्या किया पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल फायर किया, तो पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल मतलब इस डायरेक्शन में फायर किया, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल तो यही रहेगी इसकी, ठीक है ना। तो यू इज इक्वल टू क्या है हमारा यू एक्स बन जाएगा, या नहीं यू एक्स ही क्या है यू है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में उसने क्या किया फायर किया। अब तो ये ऊपर गया ही नहीं है, तो ये कैसे आ गया, ऐसे आ गया नीचे, बात समझ रहे हो, यहाँ से इसको फायर किया ऐसे आ गया, सिर्फ यू एक्स दी हमने और यू एक्स ही क्या है हमारी यहाँ यू के इक्वल है। तो यानी कि यहाँ यू वाई कितनी है, बस जल्दी से बताओ जल्दी से, यू वाई तो है ही नहीं कुछ, जीरो है। अब आप कहोगे यू वाई जीरो है, फिर ये टू डी कहाँ है, टू डी तो है ही है ना, यहाँ से तो अब ये जो मोशन कवर कर रहा है टू डायमेंशनल कर रहा है ना, वो अलग बात है, वेलोसिटी एक डायरेक्शन की दी, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ रहा है वो इन्फ्लुएंस किसका आ रहा है, ग्रेविटी का आ रहा है, तो अब इसकी हॉरिजॉन्टल भी लग रही है और आगे जाके किसकी इफेक्ट में आ गया, ये ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड आ रही है वर्टिकल वाली भी, क्लियर है इतनी बात, समझ रहे हो कि नहीं। तो मान लीजिए ये हमने ओ पॉइंट मान लिया, ये ए है और ये बी है, ठीक है, और बीच में कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने पी, ठीक है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ये पी पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ पर जो पाथ फॉलो कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, ए पी बी, क्लियर है। तो यही चीज़ यहाँ लिख रखी है, देखो सपोज अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी यू, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी यू फ्रॉम अ पॉइंट ओ एट अ सर्टेन हाइट एच अबव द ग्राउंड लेवल। मतलब क्या कह रहा है, ओ पॉइंट से जिसमें कुछ हाइट दी हमने एच अबव द ग्राउंड लेवल, तो वहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। एंड द बॉडी हैज़ टू साइमल्टेनियस इंडिपेंडेंट मोशन, ये मैंने आपको पीछे जो वीडियो करवाई है उसमें भी बताया था प्रिंसिपल्स में। तो दो मोशन होंगे इसके, एक हॉरिजॉन्टली और एक कौन सा होगा वर्टिकल वाला, तो एक तो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू वाली कंसिडरेशन लेंगे हम इसमें, दो इंडिपेंडेंट मोशन लेंगे इकट्ठे, और दूसरा कौन सा लेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सीलरेटेड मोशन, वर्टिकली डाउनवर्ड कौन सा मोशन है एक्सीलरेटेड वाला है, जिसमें हमारा कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन कितना है जी है, ठीक है। तो अंडर द कंबाइंड इफेक्ट दोनों का, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू और फिर उसके बाद क्या है ग्रेविटी के इफेक्ट में जो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होके क्या हो रहा है बॉडी मूव्स अलोंग द पाथ ए पी बी, क्लियर है। अब मेन बात पे आते हैं, देखो इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, देखो हमें वैसे पता है पैराबोलिक होगी, लेकिन प्रूफ भी करेंगे। पैराबोलिक के लिए आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें डिग्री 2 होती है, ठीक है, तो वो पैराबोलिक पाथ होता है, इतनी बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो अब याद रहनी चाहिए। देखो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल की जब हम बात कर रहे हैं, कह रहा है आफ्टर टाइम टी, कह रहा है आफ्टर टाइम टी सपोज द बॉडी रीचेस द पॉइंट पी, तो मतलब किसी टाइम टी के बाद बॉडी यहाँ रीच करी, ठीक है, जो कि हमारा पॉइंट क्या है पी, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई होंगे पी के कोऑर्डिनेट, क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ पर मेरे को पता है, देखो दो मोशन है हॉरिजॉन्टल और कौन सा है वर्टिकल, तो मैं पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखते हैं कि क्या निकलेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, ठीक है, इन टाइम टी लेट कर लेते हैं, कितना टाइम लेट कर लेते हैं टी लेट कर लेते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर्ड कर रही है बॉडी वो कितने टाइम में कर रही है टी में हमने मान लिया लेट कर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सा हो गया ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, वर्टिकल ये वाला डिस्टेंस हो गया, क्लियर है इतनी बात, समझते हो ये बात। तो देखो अब हॉरिजॉन्टल जब डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर तो कोई एक्सीलरेटेड मोशन है नहीं, अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें याद रखना वर्टिकल में हमने कहा था एक्सीलरेटेड मोशन होता है, समझ रहे हो, और हॉरिजॉन्टल में क्या है सिंपली वेलोसिटी यू से मूव करता है, क्लियर।
तो उस केस में हम सिंपल फॉर्मूले लगाते हैं, ठीक है। वहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू में क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम या फिर वेलोसिटी इंटू में टाइम। क्लियर है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट स्पीड या वेलोसिटी हम क्यों बोल रहे हैं, क्लियर या नहीं बताओ, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है ना ये, तो इस तरीके से तो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी को ही स्पीड बोल सकता हूँ और डिस्टेंस को ही क्या बोल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर देखो एक्सेलरेटेड मोशन है और इसमें हम वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस निकालते, अगर वर्टिकल डिस्टेंस निकालते तो बताओ जरा इक्वेशन ऑफ मोशन ना लगती, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है वर्टिकल के लिए, तो वहाँ पर तो हमें पता है क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है। क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाला ये क्या मान लेता हूँ, ये एक्स ही मान लेता हूँ, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे है ना, तो इसको मैं एक्स ही मान लेता हूँ, ये कितना डिस्टेंस है, एक्स है। और स्पीड इसमें कितनी थी हमारे पास, यू थी, और टाइम हमने मान लिया कितना है, टी है। अब यहाँ से टाइम देखो, टाइम का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, एक्स बाई यू, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल था तो आप कहोगे यहाँ जी यू एक्स लिखो, यू एक्स लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी क्या है, यू एक्स है, जो लेकिन जो कि किसके इक्वल थी, U के इक्वल थी यहाँ पर, तो मैंने U लिख दिया यहाँ। क्लियर इतनी बात या नहीं बताओ। T पता चल गया हमें यहाँ पर कि क्या है। अब ऐसे ही यहाँ पर वर्टिकल के लिए निकाल लो, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टाइम T। अब देखो आप कहोगे ये भी टाइम T ले रहे हो, वो भी टाइम T ले रहे हो, देख लो ऑब्जेक्ट तो एक ही है, चाहे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो रहा है इसमें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल वो तो इकट्ठा ही रहा है, समझ रहे हो ना, समझने की बात है। हम कंसिडरेशन अलग अलग कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की, लेकिन जो टाइम है यहाँ पर रीच करने का वो तो दोनों के लिए एक ही है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना, ये थोड़ी कहेंगे कि वर्टिकल वाला यहाँ इतने में पहुँचा और हॉरिजॉन्टल वाला इतने में पहुँचा, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, उसको हमने कंसिडर अलग अलग किया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, लेकिन पहुँच तो वो एक ही टाइम पर रहा होगा ना, तो टाइम दोनों के लिए कितना लिया हमने यहाँ पर, टी ही लिया है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, कोई दिक्कत इसमें। अब मैंने आपको बता दिया था ये क्या लगेंगे यहाँ पर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो ऑब्वियस ही बात है उसके लिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशंस की इक्वेशंस हैं, वो क्या है, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस के लिए हम लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर। अब देखो ये है वर्टिकल वाला, ठीक है ना, डिस्टेंस क्या है हमारा, ये वर्टिकल वाला है, ठीक। तो यहाँ पर एस क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस अगर हम ये कंसिडर कर लें, इधर वाला कितना कर लें, वाई कर लें। अभी आप कहोगे एच क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, वो भी करेंगे बाद में करेंगे, अभी मैं इसको वाई मान रहा हूँ यहाँ पर, ये तो हाइट हमने एच ले ली थी, ये बाद में कंसिडरेशन में ले आएंगे, अभी वाई डिस्टेंस मान लो, ठीक है, क्योंकि मुझे वाई और एक्स में क्या बनानी है यहाँ पर, इक्वेशन बनानी है, ठीक। तो एस इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, वाई हो गया। अब ये यू कौन सा है यहाँ पर, जल्दी से बताओ, वर्टिकल वाला है, यू वाई है, ये एक्चुअली में क्या है यहाँ पर, यू वाई है, तो ये तो जीरो है, तो ये जीरो हो गया पूरा, प्लस में हाफ, और ए कितना है जल्दी से बताओ, यहाँ पर डाउनवर्ड है मोशन, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड में प्लस का जी आता है, तो प्लस का जी ले लेंगे हम यहाँ पर, प्लस का जी हो गया। और टी, अब टी देखो, टी यहाँ से यही वाली वैल्यू ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे, जल्दी से बताओ जरा, कोई इसमें परेशानी, तो ये मैं नेक्स्ट स्टेप में ले लेता हूँ, यहाँ मैं टी स्क्वायर ही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो अब इक्वेशन बन रही है हमारी, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो हम बात करें इसमें, यहाँ पर साइड में देखो, y इज इक्वल टू यहाँ से आ गया हमारे पास कितना, हाफ में जी टी स्क्वेयर। अब देखो जी टी स्क्वेयर, और t की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर देख लो, ये कितना आया आपके पास, जी टी स्क्वेयर आया ना, और t की वैल्यू कितनी है, x बाई यू है, और सेम ही है टाइम, तो मैंने आपको बताया था वर्टिकल का और हॉरिजॉन्टल का सेम ही होता है, तो ये कितना था हमारे पास, x बाई यू, तो मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ x बाई यू, और इसका क्या है हमारे पास, स्क्वेयर है, तो ये स्क्वेयर कर दिया, तो y इज इक्वल टू में आ गया आपके पास जी एक्स स्क्वेयर अपॉन में टू u स्क्वेयर। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो क्या हैं, g कांस्टेंट है, ये इसका 2 भी कांस्टेंट है, और ये u स्क्वेयर भी कांस्टेंट है, बिकॉज ये वेलोसिटी क्या थी हमारी, कांस्टेंट थी। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो इसको मैं क्या कंसीडर कर लूँ, k कंसीडर कर लूँ, ठीक है, दैट इज़ अ कांस्टेंट, क्या टर्म है हो गई ये हमारे पास, कांस्टेंट टर्म हो गई, बताओ कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू में इस पूरे को तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, इसको k, और ये क्या बच गया साथ में, एक्स स्क्वायर। तो ये देख लो आपके पास डिग्री 2 आ रही है इक्वेशन की, और डिग्री 2 कैसा होता है, क्वाड्रेटिक होता है, तो वाई इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स। सो ये कैसा पाथ है हमारे पास, कैसी ट्रेजेक्टरी है इसकी, प्रोजेक्टाइल की, पैराबोला है, तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर एज, क्लियर है ये इक्वेशन समझ में आई कैसे आई है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एज वाई इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स, मैं लिख लेता हूँ ये, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर एज वाई इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, एंड सो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो वहाँ पर क्या होता है हमारे पास, पाथ पैराबोला होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है इतनी बार, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है,
कहता है इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन इट्स फ्लाइट, मतलब यहाँ से जब उसको थ्रो किया या फायर्ड किया तो ये क्या है, इतनी देर ये हवा में है ना जब तक यहाँ नीचे ग्राउंड पे नहीं आया, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, समझ रहे हो। तो इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन इट्स फ्लाइट फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, अब इसकी जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का, इसमें हम वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन कंसीडर करेंगे, क्लियर है इतनी बात या नहीं। इसमें मैं पहले मान लेता हूँ कि लेट टी, मैंने इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट मान लिया, ठीक है, लेट टी इज़ द कैपिटल टी इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। एक तरह से आप इसको ये भी बोल सकते हो कि कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर अभी टी माना था ना, ये वाला टी, सिंपल, ठीक है। तो ये भी तो टाइम ही था कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, दोनों में टाइम क्या इतना है हमारा सेम ही लगता है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं। तो यहाँ पर आपको मेन बात समझनी है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, जब वो किस में है, प्रोजेक्टाइल रिमेन इट्स फ्लाइट, यानी कि हवा में जब तक है जहाँ से उसे छोड़ा और जहाँ तक वो पहुँचा, ठीक है। तो टी इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट हमने लेट कर लिया, ठीक है, और इसकी हम कंसिडरेशन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम फॉर द वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। तो देखो वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन अगर हम कंसिडरेशन कर रहे हैं तो इसमें भी क्या है, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन क्या है हमारा, एक्सलरेटेड मोशन है, वहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होंगी, ठीक है। तो जैसे हम बात करें एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर करें अगर हम, ठीक है, तो एस हमें पता है वहाँ पर क्या था, ये वाला डिस्टेंस वाई पहले कंसिडर किया था, अब इसकी हाइट हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये कितनी है एच ले लेते हैं, वर्टिकल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन की, यू इसमें कौन सा होता है हमारा यू वाई, तो ये तो जीरो ही होता है, ये जीरो हो गया, पता है ना यू वाई कितना था हमारा, जीरो था इस केस में, ठीक, प्लस हाफ, और डाउनवर्ड मोशन है तो ए कितना हो गया हमारा प्लस का जी, और ये वाला जो टी है हम कितना कंसिडर कर रहे हैं इसको, कैपिटल टी कंसिडर कर रहे हैं, क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। तो यहाँ से देखो अब आपके पास ये टी स्क्वेयर यहीं रहने दो, और ये एच है इधर, ये टू ऊपर चला जाएगा और ये G क्या हो जाएगा इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको, देखो अब जब आप T लोगे इसका स्क्वायर हटाओगे तो इस पूरे पे क्या आ जाएगा, इधर रूट आ जाएगा, दैट इज़ 2H बाय G। तो ये आ गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अंडर रूट में 2H बाय G। बताओ समझ में आया या नहीं, सिंपल सा था, ठीक है। तो ये सब यूज़ होने वाले हैं आपके न्यूमेरिकल्स में, और एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेता है टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ क्या होता है, डिफाइन टाइम ऑफ फ्लाइट, या ट्रेजेक्ट्री पूछ लेगा प्रोजेक्टाइल की जो कि पैरेलल थ्रो किया है हमने इस तरीके से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है, ये वाली हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, तो इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑब्वियस ही बात है जब तक वो यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट ही है हमारा यहाँ बेसिकली टी, जिसमें वो यहाँ से यहाँ पहुँचता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी वही में भी उतना ही टाइम लगेगा, वर्टिकल में भी उतना ही लगेगा, यही मैंने आपको पहले बात करी थी, ठीक है, जैसे कि ट्रेजेक्ट्री में हमने कंसीडर करी थी बात। तो यहाँ हॉरिजॉन्टली की जब हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये हम किस तरीके से निकाल लेंगे, देखो सिंपल सा है, हॉरिजॉन्टल रेंज या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको मैं आर से लिख लेता हूँ रेंज से, क्लियर। और आपको पता है डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, अगर हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है तो नॉर्मल फॉर्मूले लगते हैं, जैसे कि हमने यहाँ ट्रेजेक्ट्री में लगाया था डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस ये ले लिया हमने, और स्पीड कौन सी लेंगे या वेलोसिटी कौन सी लेंगे हम इसमें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड इनटू में क्या लेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें पता है इसमें यू एक्स थी, जिसको हमने यू ही कंसिडर किया है क्योंकि यू थी, यही यू एक्स है हमारी, बिकॉज ये पैरेलल टू दैट कंडीशन पे हमें लेके चलेंगे इसको, तो ये यू ही मान लेंगे हम यहाँ पर। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया है हमारे पास, ये अंडर रूट में 2h बाय जी आया है, तो ये आ गई हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। बताओ जी समझ में आया या नहीं, बिल्कुल सिंपल कहानी, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट की, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, ये कहाँ पर यूज होता है, बेसिकली कि आप किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम बात करें वेलोसिटी की, ठीक है, या फिर हम इस पॉइंट पे भी कंसीडर कर सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पर मैं पी पॉइंट पे कंसीडर करूँगा, यहाँ पर भी कंसीडर कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में आएगा कि जब टकराने से पहले कितनी वेलोसिटी थी, तो वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट वाली कहानी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं पी पॉइंट, अब इसमें हम क्या करें, देखो ये वैक्टर है, ये है आपकी डायरेक्शन किसकी, फाइनल वेलोसिटी की, इस पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक। तो इसको अगर दो कंपोनेंट में हम डिवाइड करें तो ये वाली वेलोसिटी हमारी क्या है, वी वाई है, और ये वाली क्या है हमारी, वी एक्स है, समझ रहे हो, ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली, ठीक है। और ये जो एंगल है इसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ जो बन रहा है, वो एंगल कितना मान लिया हमने, बीटा एंगल मान लिया, बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है,
ये चीज़ समझ में आई, ये बिल्कुल वैसे ही चले जैसे वेलोसिटीज़ वाले क्वेश्चन करते थे हमने, रिलेटिव वेलोसिटी वाले, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया, ये इनके दो कंपोनेंट हो गए। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर भी लिख रखी है। क्या कह रहा है, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट में, क्या कह रहा है, एट एनी इंस्टेंट टी, किसी भी टाइम टी पर द वेलोसिटी वी हैज़ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, देख लो कौन से हैं, वो वी एक्स और वी वाई। रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं हम, ये 90 डिग्री पे होते हैं इसलिए, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये जो हमें पता चल गया कि वी एक्स है और वी वाई है, ये हम निकाल लेंगे। तो हमारा जो यहाँ करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्या है हमारा, वी एक्स है। पहले जब न्यूमेरिकल भी किए थे हमने, तो ये क्या होता है हमारे पास, यू प्लस में ए टी अगर हम लगाएं तो ये भी एक्स का और ये भी एक्स का। अब यहाँ हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो वर्टिकल का एक्सेलरेशन है जो कि ग्रेविटी की वजह से है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का तो कुछ नहीं है, तो ए एक्स क्या होता है इसमें, हॉरिजॉन्टल वाले में जीरो होता है, ठीक है। तो वी एक्स इज इक्वल टू में यू एक्स, क्या था हमारा, यू ही था इसमें, और ये कितना हो गया था जीरो, तो वी एक्स कितना आ गया हमारे पास, यू आ गया, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर वी वाई निकाल लें, दैट इज़ अ वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई के लिए भी यू वाई प्लस में ए वाई टी, अगर याद हो न्यूमेरिकल जब हमने किए थे तो ये चीज़ बताई थी मैंने वहाँ पर आपको कि इनके कंपोनेंट्स कैसे निकलते हैं जब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालते हैं, तो वी एक्स और ये वी वाई, क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ कोई इसमें दिक्कत। देखो कईयों को अगर ये दिक्कत आ रही हो कि हॉरिजॉन्टल में, तो अभी आपने तो ये कहा था कि ये नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं हम, ये भी बोला था ना कि नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं, तो आप ये वाले क्यों ले रहे हो, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज़ कर रहे हो, ये इसलिए क्योंकि हमने पहले ही न्यूमेरिकल में यूज़ किए हुए हैं इस तरीके से रिजल्टेंट वेलोसिटीज़ के लिए, ठीक है। नहीं तो ये सिंपल हो जाता हॉरिजॉन्टल के लिए, तो आपको पता ही है सिंपल वेलोसिटी क्या है आपकी, यू ही है, तो यहाँ से भी यू ही आया है वी एक्स, जिसको मैंने आपको बताया था, क्लियर है इतनी बात, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि चाहे ये फाइनल है आपके पास यहाँ, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही रहेगी हर पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल वाली क्या रहने वाली है, यूनिफॉर्म ही रहने वाली है, तो यानी कि चाहे यहाँ वी एक्स है कहीं पर भी, वो क्या रहेगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल वाला रहेगा, जो हॉरिजॉन्टल की है, तो वो यू है, यहाँ पर यू ही है, तो आप चाहे ना भी लगाते हैं यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको अगर प्रॉब्लम आ रही है कि ये क्यों लगा दी यहाँ पर, ठीक है। ये इसलिए सिर्फ कि आपको, आपने पहले ऐसे किया हुआ रिजल्टेंट वेलोसिटी वाला, ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। अब वी वाई यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यू वाई, यू वाई जीरो है हमारे पास, ए वाई कितना है हमारा, जी है, और टी हम इसको टी ही कंसीडर करें, किसी भी टाइम पे लिया ना हमने पी, तो वी वाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास जी टी। तो ये आपने दो कंपोनेंट इस तरीके से कंसीडर करने हैं, बताओ जी समझ में आया, बिल्कुल सिंपल कहानी है। तो अब तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको पता ही है कैसे निकलेगी, ठीक है। देखो मैं ये हाँ इसी पेज पे क्यों दिखा रहा हूँ ये, क्योंकि ये डायग्राम इधर बना हुआ है, तो आगे आपको समझ में आती रहे सारी कहानी, समझ रहे हो। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है यहाँ पर वो क्या होगी, वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, यानी कि यही वाली वी चाहिए हमें, इसको वी एक्स और वी वाई दो कंपोनेंट में निकाला, वो हमें यहाँ से वैल्यू पता चल गई वी एक्स और वी वाई की, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी हमें पता है अंडर रूट में क्या होता है, वी एक्स का स्क्वेयर प्लस में वी वाई का स्क्वेयर होता है, तो बस यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट करो, वी एक्स कितना है हमारा यू है, प्लस में वी वाई कितना है हमारा जी टी है, तो ये कितना हो जाएगा जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों का स्क्वेयर आएगा, क्लियर है इतनी बात या नहीं। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी, बताओ समझ में आया, ठीक है। अब अगर हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी पता है तो हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, वो किससे निकलती है हमारी, बीटा से। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि वेलोसिटी वी मेक्स एन एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल, विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वो कितना है हमारे पास, टेन बीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, जल्दी से बताओ, वी वाई बाई वी एक्स होता है, ये तो सब पता है ना आपको। तो वी वाई कितना है हमारे पास, जी टी है, और वी एक्स कितना है, यू है, तो यहाँ से हमें पता चल गया बीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ जी टी बाई यू आ जाएगा, बताओ समझ में आया बीटा किस तरीके से निकला है, सिंपल था या नहीं था बताओ, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। मेन आपको कहानी समझ में आनी चाहिए कि क्या थी हमारे पास जब प्रोजेक्टाइल को फायर किया हमने पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, और ये जो कहानी बताई थी मैंने इस तरीके की, ठीक है, ये भी हम करेंगे, जिसमें हमने बोला कि प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, समझ रहे हो। तो ये भी हम करेंगे, इससे पहले उस टॉपिक को करने से पहले हम नेक्स्ट वीडियो में इसी जो ये वाला टॉपिक हुआ है आपका, इसके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद वो टॉपिक लेंगे, ठीक है, जिसमें हम थीटा एंगल पे फायर करते हैं, ठीक, क्लियर है बात, कर लोगे, ओके, थैंक यू।